जिला पशुपालन विभाग का एक कारनामा सामने आया है। दरअसल सोलन में बिजली के खंभे में करंट लगने से एक विलुप्त होने की कगार पर उड़ने वाली गिलहरी चोटिल हो गई, जिससे उसके मुंह व टांग में चोटें लगी थी। इंसानियत के नाते कुछ लोग बेसुध अवस्था में गिलहरी को पशु चिकित्सालय कोटना लाला ले गए, लेकिन वहां के स्टाफ द्वारा उन्हें यह कहकर बेरंग लौटाया गया कि वह इसका इलाज नहीं कर सकते, उनके पास इसके इलाज के लिए ग्लव्स नहीं है व ना ही अन्य सामान है, जिससे इंसानियत की सेवा में लगे व्यक्ति इसे वापस लाए। जिससे एक बात सहजता से समझी जा सकती है कि पशु औषधालय सोलन में किस लचर कार्य प्रणाली से कार्य हो रहा है व यहाँ के कर्मचारी कार्य करने को राजी नहीं है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उड़ने वाली गिलहरी को पशु अस्पताल लेकर गए लोगों ने बताया कि जब वह गिलहरी को इलाज के लिए ले गए तो उन्हें वहां पर यह कहकर मना कर दिया गया कि उन्हें डर लग रहा है व उनके पास ग्लव्स नहीं है, यह कहकर इनकार कर दिया गया। यह पुलिस व वन विभाग का मामला है। उन्होंने कहा, डर लगा, अरे नीचे गिरी तो हम इसको हॉस्पिटल ले गए, थोड़ा देख देख की अच्छे से वो किया है, बाकी थोड़ा हाथ जोड़ के सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि कोई भी बंदा है, जैसे भी आए, जिस चीज को भी लेकर आए उस पर कार्रवाई जरूर की जाए, जैसा भी है। कोई बोलता कि मेरे हॉस्पिटल में ग्लव्स नहीं है, कोई दूसरे को बोल देता कि आपको पुलिस वाले परेशान करेंगे, कोई बोलता कि वन विभाग को आप कॉन्टेक्ट करो। अरे हम तो अपना हमने तो एक फर्ज निभाया अपना, हम तो फर्ज के अनुसार उसको लेके गए, कम से कम इसको कुछ ना कुछ हमने उसको बोला कि इसके पैर में चोट लगी थोड़ी, मेरे को ही बिटाडीन दे दो, हमने कोटरम से बिटाडीन डाल देते, एक्चुअली मेरे को बिटाडीन मिल दी उन्हें, तुम इस करके वहां से वापसी आ गए तो बोले कि वहां छोड़ दो, जहां से लेके आए तुम जनाब इसको ले आए, अब पानी को निकला अब चल जाएगी, हमने ये रख दिए यहाँ पे। उड़ने वाली गिलहरी देखी हमने और ये इस पोल पे थी, चश्मीर के पोल, बिजली के पोल पे थी और वहां से इसको करंट लगा, नीचे गिरी, उसके बाद इसको हम उठा के उड़ने वाली गिलहरी को कोटनाला हॉस्पिटल में ले गए और वहां पे इसका उपचार कराने के लिए, ये काफी डरी हुई चीज थी और इसके मुंह से भी खून निकल रहा था, तो वहां पे डॉक्टर ने भी इसके ऊपर वो नहीं किया, कोई क्या बोलते हैं बोला कि आप इसको हाथ लगाओ, क्या हमारे को डर लग रहा है, फिर हमारे को भी से खुद को डर लगने लग गया, गाड़ी में लेके आया जब वापसी, तो अब इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, तो हमारी दरख्वास्त है कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। नहीं तो वही पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर जीवन लाल शर्मा बारे बात की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित गिलहरी का इलाज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लव्स की कोई कमी नहीं है, उन्होंने कहा कि मानवता के नाते इसका इलाज किया जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर जीवन लाल अपने अस्पताल के कर्मचारियों का बचाव करते भी नजर आए। उन्होंने कहा, तो इसमें यही है कि जो हमारा वेटनरी पॉलीक्लिनिक सोलन है वहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट हैं, तो वहाँ पे जो है इसका इलाज करवा सकते हैं, परंतु इसमें जो वाइल्ड डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का, वो भी इसमें थोड़ा संज्ञान लें, क्योंकि यह जो प्रजाति है ये बहुत कम पाई जाती है और बहुत कम देखने को मिलती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जीव है, तो वाइल्ड लाइफ को इसमें आगे आना चाहिए था, परंतु एक ह्यूमैटेरियन ग्राउंड पे जो है इसका हम इलाज कर सकते हैं। और जब मैंने विभाग से पॉलीक्लिनिक के इंचार्ज से पूछा गया कि इसका इलाज किया है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर संदीप खिमटा जो सर्जन है उन्होंने उसको देखा है और जो जीभ है अभी ठीक है और ऐसे ग्लव्स की कोई ऐसी कोई कमी नहीं है सर। ऐसा इसमें तो अब जो कंसर्न इंचार्ज है या जो इलाज करने वाला डॉक्टर भी बता पाएगा, क्योंकि मैं तो अपने ऑफिस में हूँ, उन्होंने भी ऐसा मेरे को इन्फॉर्म किया है कि इसका प्रॉपरली देखा गया है और ग्लव्स की कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर पशुओं के अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे हकीकत में खोखले हैं। वह यह बहुआयामी पशु चिकित्सालय मात्र कुत्तों के इलाज तक ही सीमित बनकर रह गया है।